हमारे मजहब ने औरत को क्या मकाम अता किया और क्या पाबंदियां उस पर आयद की, उसको क्या कानून अता किया। मोहतरम हाजरीन, जिस तरह हमारा पिछला वो जमाना था कि जिसमें गुनाह करना मुश्किल था, और ये वो जमाना है कि इसमें नेकी करना मुश्किल है, माहौल ऐसा बन चुका है। अगर कोई बुराई करना चाहता है तो बुराई करने से कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, और अच्छे काम के लिए सौ से भी ज्यादा रुकावटें पैदा होती, ये माहौल बन चुका है। तो अच्छा काम करना निहायत मुश्किल है और बुरा काम करना बहुत आसान बन चुका है। और ऐसे फितने के दौर में औरत, औरत का मतलब क्या है, औरत कहते किसको है, लफ्ज औरत खुद बता रहा है। जबान में औरत कहते हैं ऐसी चीज को जिसको छुपाया जाए। इस्लाम ने औरत को औरत इसलिए बताया कि वो छुपाने की चीज है, जाहिर करने के लिए। तो जिसको जमाने में छुपे रहना है वो सबके सामने जाहिर हो रही है, और मर्द जो सबके सामने जाहिर हो सकता है वो छुपा हुआ है, माहौल उल्टा होता जा रहा है। तो हमारे मजहब इस्लाम ने औरतों को क्या कानून दिया, पाबंदी उस पर क्या आयद की, ये बड़ा फितनों का दौर है। सरकार सलाम का फरमान आलीशान, अल्लाह के भी फरमाते हैं कियामत के करीब औरतों की कसरत हो जाएगी, औरतें दुनिया में बहुत ज्यादा आएंगी, वो ज्यादती कितनी होगी इसको बयान करते हुए फरमाते हैं कि 50 औरतों का निगरान एक मर्द होगा। कियामत के करीब ऐसा भी जमाना आने वाला है कि एक मर्द की निगरानी में 50 औरतें होंगी।